सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें। इलाहाबाद ध्वजा मार्ग मार्ग पर स्थित फरीदीपुर संस्कार ढाबा के सामने बोलेरो गाड़ी के बचाने के चक्कर में पलटी ट्रक, एक युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण वर्मा, बने रहे हमारे साथ छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबा दे, जिससे आपको खबरें की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सुल्तानपुर जनपद में स्थित इलाहाबाद फैजाबाद मार्ग पर स्थित फरीदीपुर संस्कार ढाबा के सामने बोलेरो गाड़ी को बचाने के चक्कर में ट्रक पलट गई। एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। युवक का नाम बबलेश राय बरेली का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना होने के बाद पहुंची पुलिस गड्ढे में गिरी ट्रक से व्यक्ति को निकलकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मौके पर उपस्थित थाना इंचार्ज संदीप कुमार, द्वारकाधन चौकी प्रभारी बबलू जायसवाल, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र मिश्रा, प्रीतम सिंह व दर्जनों पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। सुल्तानपुर गिट्टी लदा अनियंत्रित ट्रक पलट चुका है। चपेट में आने से बाइक सवार युवक की दबकर मौके पर मौत हो चुकी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने निकलवाया है शव। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के फरीदीपुर पेट्रोल पंप के पास हुआ है ये बड़ा हादसा। आपको जानकारी देते कि सुल्तानपुर जनपद में स्थित इलाहाबाद फैजाबाद मार्ग राजमार्ग पर स्थित फरीदीपुर संस्कार ढाबा के सामने बोलेरो गाड़ी के बचाने के चक्कर में ट्रक पलट गई है जो गिट्टी से लदा हुआ था, जिसमें मौके पर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। गिट्टी से लदा अनियंत्रित कार पलटने से चपेट में आने से बाइक सवार के युवक की दर्दनाक मौत हो चुकी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को निकलवाया है तथा गोसाईगंज थाना क्षेत्र के फरीदीपुर पेट्रोल पंप का ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर बोलेरो गाड़ी को बचाने के चक्कर में ट्रक पलट चुकी है। एक युवक की मौके पर मौत हो चुकी है। युवक का नाम बबलेश जो रायबरेली का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना होने के बाद पहुंचे पुलिस ने गड्ढे में गिरी ट्रक से व्यक्ति को निकलकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे